अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हॉन्टेड स्टोरीज़। हाज़िर हुए हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। कल मुझे एक छोटी सी बच्ची ने अपनी रियल स्टोरी बताई और कहा कि आप अपने चैनल पे ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो स्टोरी। आखिर तक स्टोरी को सुनिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको स्टोरी कैसी लगी, और चाहें तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरा नाम अमल है, मैं 5th ग्रेड की स्टूडेंट हूँ। आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। सर्दियों के दिन थे, विंटर वेकेशन स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी थे। तब मैं 3rd ग्रेड में थी। मैं डेली की तरह टाइम से स्कूल पहुँची। 3 लेक्चर लेने के बाद हमारा रिसेस टाइम हो गया। मैं अपने स्कूल के ट्रैक से मेन हॉल की तरफ जा रही थी। मैं और मेरी सारी फ्रेंड्स अप एंड डाउन गेम खेलने लग गए। मेरे बाल खुले थे, मैं खेलते खेलते मेन हॉल की बैक साइड पे चली गई। हॉल के बैक साइड पे जाकर मुझे अचानक से गर्मी लगने लग गई। मैं अपने बाल बांधने लगी। मेन हॉल की जो बैक साइड थी उसका एरिया थोड़ा वीरान हुआ करता था। मैं खेलते खेलते हॉल के बैक साइड पे कब चली गई मुझे इस बात का अंदाज़ा ही ना रहा। हॉल के बैक साइड पे थोड़ी सी ऊंची जगह हुआ करती थी। मैं अपने दोस्त से बचने के लिए इस ऊंची जगह पर चढ़ गई। अचानक मुझे पीछे से एक धक्का लगा जिससे मैं मुंह के बल नीचे गिर गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी ना था। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरी आवाज़ सुनकर इकट्ठी हो गई। इन्होंने मुझे उठाया और पानी पिलाया। इतने में रिसेस टाइम ख़त्म हो गया और हम ट्रैक से होते हुए क्लासरूम की तरफ दोबारा लेक्चर लेने के लिए चले गए। क्लासरूम में जाकर मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी। मैंने अपनी ऊपर की अपर उतार दी। पीछे बैठी मेरी फ्रेंड ने देखा कि मेरे बैक साइड से कमर पर शर्ट पे बहुत सारा खून लगा हुआ है। जब मेरी क्लास टीचर को ये बात पता चली तो वो मुझे एक अलग रूम में ले गई। इन्होंने अलग रूम में ले जाकर मेरी कमर को चेक किया तो इन्होंने देखा कि मेरी पूरी कमर पर नेल्स के मारने के निशान हैं, जैसे किसी ने पीछे से मुझे मारा हो। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि किसी ने आपको मारा था? तो तब मेरी टीचर के पूछने पर मुझे याद आया कि खेलते खेलते मैं मेन हॉल के बैक साइड पे गई थी और मुझे पीछे से किसी ने धक्का दिया था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। इस वाक्य के बाद जब मैं घर गई तो मुझे पूरे 2 हफ्ते बुखार रहा। इस वाक्य को देखते हुए मेरे घर वालों ने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया और कहते हैं कि हॉल के बैक साइड पे आज तक कोई बच्चा नहीं जाता। तो कैसी लगी आपको एक बच्ची की रियल स्टोरी? आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपकी कोई ऐसी रियल स्टोरी है तो शेयर कीजिएगा, हम भी आपकी रियल स्टोरी ऑडियंस तक शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट पास करें। देखते रहिए हॉन्टेड स्टोरीज़।